मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया संस्था है। अच्छा। हमें 24 हमको दोनों टाइम खाना बढ़िया मिलता है, अगर काम नहीं लगता तब भी हमको खाना मिल जाता है। जो लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं उनके खुद बड़े भैया हैं जो खाना खा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि खाने में कोई कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखावे के लिए चीजें कर रहे हैं, और टेस्टी खाना है, बहुत बढ़िया है। ये उनके बड़े भाई है हिमांशु भैया के, तो आप सोच सकते हैं कि घर का मेंबर खुद एक खाना खा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो नमस्कार, मैं भी आया हुआ हूँ अलवर राजस्थान में। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि आप यदि हेल्प करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं जो गरीब लोग होते हैं जो अपना खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वीजन संस्थान काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध कर रहा है। 1 रुपये में यहाँ पर वो खाने दे रहे हैं, कोई 1 रुपया कोई वैल्यू नहीं रखता है। बट इससे ये है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके लिए खाना प्रॉपर मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें ये दे रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, और जो इनको फाउंडर इनके वो हैं हिमांशु शर्मा विजन संस्थान के। दोस्तों ऐसी मदद मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई लोग करे यहाँ पर आकर। मान लो आपका कोई बर्थडे है तो आप तभी भी यहाँ पर आकर उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं इन लोगों के साथ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये लोग हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर ये विजन संस्थान है अलवर, कितनी अच्छी ये लोग हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर ये विजन संस्थान है अलवर, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं लोगों की। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ खाने में, चावल है काफ़ी अच्छे चावल दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये सब्जी है काफ़ी सुंदर सब्जी दिख रही है। और हम लोगों से भी पूछेंगे कि उनको खाने में कोई टेस्ट है। यहाँ पर देखिए आप ये देख सकते हैं ये जो सर्किल है, ये यहाँ पर अलवर में बिजली घर सर्किल है, और लोगों की ऐसी हेल्प करी जाए तो लोग बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे और ऐसी मदद गरीबों की होती रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन लोगों को, अभी हम इनसे पूछेंगे कि खाने का स्वाद इनको कैसा मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चपाती कितनी सुंदर है, एक बार चपाती दिखाओ आप। देखो आप चपाती देख सकते हैं पूरी प्रॉपर सिकी हुई है। सोचो यदि हम गरीबों की ऐसी हेल्प करी जाए तो कितना अच्छा रहता है। और इसी तरह से लगातार ये चलता जा रहा है, सुबह शाम डेली चलता है। ये देख सकते हैं आप सब्जी, ये किसकी सब्जी है? आलू की। आलू की सब्जी, और ये काशी फल की सब्जी कोड़ा की है। और ये देख सकते हैं आप चावल, यहाँ पर शायद ये सिस्टर आई हुई है जिनकी तबीयत भी खराब है, ये लोग भी खाना ही खा रहे हैं यहाँ पर। और हम इनसे पूछेंगे कि इनको खाना ये कैसा लगता है। अंकल जी, जैसे आप यहाँ पर ये खाना खा रहे हो तो आपको खाना कैसा लगा? बहुत ही स्वाद और बहुत ही शुद्ध खाना। अच्छा, और आपसे ये कोई ज़्यादा रुपए भी लेते हैं इस चीज़ के? नहीं। कितने रुपए में आपको खाना दे रहे हैं? यहाँ 1 रुपये लेते हैं, अगर अधिकतर 1 रुपये की कोई वैल्यू है आपके लिए? कोई वैल्यू नहीं है ना, 1 रुपया शायद हमारा गिर भी जाता है। सोचो आप यदि बाहर यही खाना खाने जाएँ तो इसकी क्या वैल्यू होगी? 50-60 हो गया। दोस्त इतना अच्छा खाना ऐसे ही काफ़ी लोगों को ये खिला रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अंकल जी से पूछेंगे। जी अंकल जी बताइए। हाँ। खाना क्या खिला रहे हैं? फ्री खिला रहे हैं। फ्री खिला रहे। कैसा स्वाद लगता है खाना आपको? अच्छा लग रहा है। आप चाहते हो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें लोग? हाँ। आप लोगों को बताइए कि यहाँ आकर आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं इस खाने के लिए। हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ना, मदद करनी चाहिए। हाँ। ठीक है, आप रोज खाते हो खाना? हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, शायद ये यहाँ पर ये मजदूरों के लिए सर्किल है ज्यादातर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। आप क्या काम करते हैं बताओ? रेफ्रिजरेशन। और आपको यहाँ जो खाना मिल रहा है कैसा लग रहा है? ये खाता हूँ, बहुत अच्छा है। डेली खाते हो आप? कोई दिक्कत है खाने में? तो आप लोगों से कहेंगे कि लोग हिमांशु भैया की हेल्प करें यहाँ कर आकर? हिमांशु का ही बड़ा भाई हूँ। अच्छा, बड़ा भाई हूँ, चिंटू का भी बड़ा भाई हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे कोई तो देख लो भाई भी यहाँ पर यही खाना खाते हैं। आप सोच लीजिए जो लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं उनके खुद बड़े भैया हैं जो खाना खा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि खाने में कोई कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखावे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, और टेस्टी खाना है, बहुत बढ़िया है। ये उनके बड़े भाई हैं हिमांशु भैया के, तो आप सोच सकते हैं कि घर का मेंबर खुद एक खाना खा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए आपको खाना खाने का कैसे? खाने का यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा, जो भी है मजदूर आदमियों के लिए काफी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रखी है, सुविधा है। अच्छा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे खाना चल रहा है, जो सबकी भूख को मिटा रहा है, मजदूर आदमी जो घर से आता है जिसके मतलब एक आटे का चून भी नहीं होता है, लेकिन वह यहाँ पे अरब नहीं खाना खा पा रहा है। आप हिमांशु भैया के लिए क्या दुआ करोगे? हिमांशु ये दुआ है, ऊपर वाले इसको और बढ़ाए। अच्छा,
तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये मजदूर वर्ग हैं, जो अपना खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, शायद इनका देखो अभी अभी हम इनके लिए देखिए हिमांशु आप क्या बोलोगे। हम ये बोलेंगे हिमांशु भैया की उम्र दुगनी हो। अच्छा, हमारे लिए उनने इतना किया है, गरीबों को खाने दे रहे, एक नंबर का खाना मिल रहा है हमको, एक नंबर एक नंबर की व्यवस्था मिल रही है। और अगर ये पानी भी भर जाता है तो बेचारा हमको सुबह में बैठा कर खाना खिलाता है। ठीक है, दोनों टाइम खाना मिलता है भैया, दोनों टाइम खाना मिलता है। और हमें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप सोच रहे हैं कि यदि हिमांशु भैया इसको और आगे तक लेके जाएं तो आपको भी इसमें हिमांशु भैया की हेल्प करनी पड़ेगी, विजन संस्थान की हेल्प करनी पड़ेगी। अदरवाइज यदि आप जैसे जन्मदिन होता है आप केक मंगाते हैं, केक का पैसा बिगाड़ते हैं, इससे अच्छा आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, यहाँ आकर डोनेट कर सकते हैं। और अभी आपको हम हिमांशु भैया से भी मिलाएंगे। आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर इसी तरह बच्चे भी खाना खाते जा रहे हैं, खाते हैं, रेगुलर खाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह आकर हेल्प करें लोगों की, और यहाँ पर आप अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत चीज़ें हम हिमांशु भैया से भी पूछेंगे। यहाँ पर आपको मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा देता हूँ कि आप इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर विजन संस्थान लिखा हुआ है, हिमांशु शर्मा वो नंबर है और चिंटू गुजर ये नंबर आप, और आप देख सकते हैं 1 रुपये में भरपेट भोजन। आज के टाइम में यदि आप घर पर भी कोई सामान नहीं ले जाते हैं तो घर पर भी खाना नहीं खिला पाते हैं, बट यहाँ पर बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया यहाँ है, बहुत संस्था, बहुत हमारे लिए, बहुत मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया संस्था है। अच्छा, हमें 24 दोनों टाइम खाना बढ़िया मिलता है, अगर काम नहीं लगता है तब भी हमें खाना मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शायद पूरा एक मजदूर एरिया वर्ग है, यहाँ पर आप लोगों की जो मजदूर होते हैं वो यहीं पर इकट्ठा होते हैं मॉर्निंग के लिए, और लोगों की इसी तरह हेल्प की जा रही है। और अभी हम हिमांशु भैया से भी आपको मिलवाएंगे, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को भी शेयर कीजिए। देखो ये भैया भी कह रहे हैं कि आप वीडियो देखो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे भैया की भी हेल्प हो और इसमें इसी तरह मुहिम आगे चलती रहेगी यदि आप हेल्प करते हैं तो। ठीक है भैया, ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट? छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चौराहे पे ठेका खुल गया है, इसको बंद करने की रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आप अलवर में यदि आप देख रहे हैं तो ये ठेका कहाँ खुला है? पूरा सामने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर ये ठेका खुल गया, ये पेट्रोल पंप के पास आप देख सकते हैं वहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह ये है बिजली घर, आप अंकल ने भी हमसे रिक्वेस्ट की है, तो इसी तरह इन चीज़ों को बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर वर्ग है वो हर तरीके के लोग होते हैं, इसी तरह इसको बंद किया जाए और चिंटू भैया की मदद करी जाए।